तीन तलाक के खिलाफ बिल लोकसभा में पास हो चुका है, अब बारी राज्यसभा की है। केंद्र सरकार कल यानी बुधवार को ये बिल राज्यसभा में पेश करेगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में बिल पेश करेंगे। इससे पहले आज विपक्ष ने मीटिंग बुलाई है। राज्यसभा में बिल पर कांग्रेस क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। बता दें कि पिछले सप्ताह ही लोकसभा में बिल पास हुआ है। हालांकि विपक्ष ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की थी। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर बुधवार को संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि राज्यसभा में भी बिल जल्द ही पास होगा। कांग्रेस सहित सभी पार्टियों से बातचीत जारी है। इस बिल को लेकर अगर कांग्रेस लोकसभा में अब कोई अमेंडमेंट प्रेस नहीं किया, वही रवैया राज्यसभा में भी अपनाना चाहिए। राज्यसभा में बिल होने के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को भी जारी किया हुआ है। इसी बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर बिल राज्यसभा में भी पास होता है तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।